हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये लव राशिफल है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए स्पेशली मैं इसे करने जा रही हूँ, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शन आपके लिए मई के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। और ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए सिर्फ एनर्जी पे फोकस करें, थी और था पे नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ इस रीडिंग को आप गाइडेंस पर्पज के लिए देख सकते हैं। और यस, राशि आप कैसे चुने, राशि आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार, राइजिंग साइन, स्टार साइन, जैसे आपको सही लगे, लग्न राशि के अनुसार जैसे आप चाहें वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। इस रीडिंग में मैं स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। देखेंगे आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी, जिनको एजुकेशन, करियर और फाइनेंस और हेल्थ के रिलेटेड और बाकी सब रिलेटेड रीडिंग देखनी है वो लोग मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उस रिलेटेड भी ओवरऑल डिटेल रीडिंग कर रखी है, ऑलरेडी पोस्ट भी की हुई है, आप उसे चेक करें, आपको मिल जाएगी। अपने राशि अनुसार आप लिख सकते हैं द डिवाइन टैरो और अपनी राशि लिख सकते हैं, आपके सामने वो स्क्रीन पर आ जाएगी। जो भी लेटेस्ट मैंने आपके लिए राशिफल किया होगा वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग जो है अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और मई के महीने में देखते हैं आपकी लव लाइफ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ठीक है। सो अब बारी है मकर राशि की, देखेंगे मकर राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस मई के महीने में क्या होंगी। ओवरऑल यूनिवर्स मुझे बताएं मई के महीने में मकर राशि वालों के पार्टनर की, जो मकर राशि वाले हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस उनके लिए क्या होंगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्स, हीरोपिंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्स। ओके, सो मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी जो देख रही हूँ ना, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको काफी ज्यादा रियलिटी चेक मिल गया है अपने रिलेशनशिप को लेकर। आपको इतनी आइडिया लग चुकी है कि क्या हो सकता है, क्या संभव है, क्या असंभव है। काफी सारे अपने पार्टनर के रिलेटेड फैक्ट्स भी पता चल गए हैं कि वो कितना आपसे कनेक्टेड है, कितना प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। किसी तरीके के सत्य का सामना आपने कर लिया है, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड यू आर वेरी प्रैक्टिकल, आप बहुत प्रैक्टिकल होते हुए, खुद में बहुत ज्यादा जोश से भरते हुए, खुद पे फोकस करते हुए, काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है दिमाग से ज्यादा सोच रहे हैं। इस वक्त आप दिल से नहीं सोच रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। राइट और रॉन्ग के बीच में आप, ठीक है, बीच में नहीं है, मैं कहूंगी राइट राइट की तरफ ही हैं आप। अब आपको पता है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, आपको क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, आपकी लाइफ में आप मूव ऑन की एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरली आपको लग रहा है कि आपके पास्ट में, आपके रिलेशनशिप में फेलियर्स रही, बट दिस टाइम मुझे देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि मूव ऑन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को ऐसे है कि चेंज कर रहे हैं। चेंज एज इन आप ये समझो कि आपके रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में जो भी हुआ उसमें से आपने बहुत कुछ सीख लिया कि आपकी लाइफ में कितनी चीजें गलत हुई, कितनी राइट हुई, बहुत सारे लेसन आपने लर्न कर लिए। अब आप उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते और अब अपने आप को आप बहुत बेटर बनाना चाहते हैं, ठीक है, और बेटर करना चाहते हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा सा कुछ लग गया है, एक सेकेंड ना, वो एक्चुअली कुछ स्क्रैच आ गया है मुझे। ओके, सो बेसिकली आप खुद को बहुत बेटर करना चाहते हैं, जो गलतियां आपसे पास में हुई आप उसे रिपीट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने आप को एक बेटरमेंट की ओर, एक बेहतर लाइफ की ओर ले जाना चाहते हैं। क्लियरली पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी एक नई बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर करने की अब प्रयास करेंगे। टू ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स, पास्ट में आप इनके लिए बहुत फीलिंग्स और लव रख रहे थे और आपको ये भी लग रहा था कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं, बट वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में लाइक उतने कि आप अंदर से ये जानते थे कि कुछ भी हो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ भी हो वो आपके लिए बहुत कनेक्शन फील करते हैं, कुछ भी हो वो आपको एक दिन चीजें ठीक कर लेंगे आपके लिए। बट दिस टाइम ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे हो चुके हैं कि नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इस तरह बात बनेगी। अगर वो प्यार करते हैं तो कन्फेस नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे कि नहीं यार ऐसे तो नहीं चलेगा जिस तरह मेरा पार्टनर चल रहा है या चल रही है, अब मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा, मुझे भी सेल्फिश होना पड़ेगा, मुझे भी अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। तो आप अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स,
आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर किसी ऐसे रिश्ते में है जिसमें बहुत, या किसी ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, वो चाहकर भी नहीं आ सकते और ऐसा दिखाई दे रहा है, दिमाग में बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, ठीक है, रियल लाइफ में नहीं है, इन रियल लाइफ उनके इतने एक्सक्यूजेस नहीं है, पर वो दिमाग से ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत स्टक हूं, कुछ नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूं। और अगर मैं करंट सिचुएशन आप दोनों की लाइफ की, आप दोनों के रिलेशनशिप की बोलूं, तो मुझे करंट में आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे की ऊर्जा से, एक दूसरे की एनर्जी से स्टक हो, कहीं ना कहीं स्टक है, बट आपकी एनर्जी में फिर भी प्रैक्टिकलिटी, एक काइंड ऑफ क्लैरिटी है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और अब आपको गलती नहीं दोहरानी है, बट कहीं ना कहीं अभी भी आपके पार्टनर स्टक हैं, ठीक है, इस एनर्जी में काइंड ऑफ एक एडिक्शन है जिसके वजह से आप लोग रुक गए एक दूसरे के लिए, ठीक है, बट आप काफी हद तक मूव ऑन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो चुकी है, एक मेजर शिफ्ट मई के महीने में आप मेजर शिफ्ट ले रहे हैं, मई के मंथ में आप अपने आप को चेंज करते हुए खुद की लाइफ को बेहतर सिरे से शुरू कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर आपको कल तक लगा था कि कुछ करेंगे लेकिन अब आप इंटरेस्टेड नहीं है इन सब चीजों में देखने के लिए। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत इमेच्योर एक्ट है, बहुत इमेच्योर एक्ट, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट आई कैन सी कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे या आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है, आई कैन सी कि वो अपनी लाइफ में जहां पे भी है वहां एडजस्ट कर रहे हैं, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ट्रेडिशनली अपने कल्चर और अपने कास्ट को बहुत वैल्यू देता है या देती है, जिनके लिए अपने फैमिली या कल्चर या एक होता ना कि एज क्राइटेरिया सब बहुत मायने रखते हैं, तो आप शायद ऐसे किसी इंसान से डील कर रहे हैं, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ट्रेडिशनल इंसान है, वहां एडजस्ट कर रहे हैं, वहां बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और आपके लिए लव है, बट उस लव को एक्सप्रेस करने की जगह उनका थोड़ा सा मोटिव अलग ही जा रहा है, अलग ही लेवल पे ऐसा लग रहा है कि बिहेवियर है। अगर मैं दिमाग से कहूँ तो ये इंसान बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा, और मैं लल्लू पच्चू वाली बातें नहीं कर रही हूँ, जेन्युइनली कह रही हूँ वो सीरियस है, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत पेन में है, मई के मंथ में भी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपके लिए इनके मन में बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको हो सकता है, आपको फील हो सकता है कि नहीं यार ये इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, अगर इसको फीलिंग भी है तो ऐसी फीलिंग का मैं क्या करूं जिसमें कोई एक्शन ही नहीं है या कुछ कर ही नहीं सकता, एटलीस्ट बात करे या चीजें ठीक करे, तो आपके अंदर वो एनर्जी है कि यार सामने वाला कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या करे, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लारिफाई करे यूनिवर्स। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की वजह से आप किसी बात को लेकर हर्ट होने वाले हैं, ठीक है, मई के मंथ में बहुत स्ट्रांग चांसेस है आप अपने पार्टनर की वजह से किसी बात को लेकर बहुत हर्ट होंगे, शायद इनके एक्शन नहीं हो रहे हैं इसके वजह से, हर्ट का मतलब मेरे को ये नहीं लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बस अंदर से इमोशनली ब्लॉक हो रहे हैं, आप इमोशनली खुद को ब्लॉक करते हुए आप अपने हार्ट चक्रा को क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके साथ चीजें बहुत अनफेयर हुई, बहुत गलत हुई और अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, किसी पे भरोसा नहीं करेंगे और अब आप किसी के साथ कनेक्शन में नहीं आएंगे, इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं कि नहीं यार अब दिल किसी को भी ऐसे नहीं देना है, बहुत हल्की चीज हो गई ये चीज और अब आपको प्यार चाहिए तो स्टेबल वाला, अदरवाइज आपके साथ आपको टाइम पास अब आपको किसी के साथ नहीं करना है, इस तरीके की एनर्जी है। टू ऑफ कप्स को क्लारिफाई करें यूनिवर्स। एम्परर विथ जजमेंट, ओके, एम्परर विद जजमेंट, यहां पर मैं देखू टेन ऑफ स्वॉर्ड्स विद टू विद दी टावर, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स विद दी टावर, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मैं एक बार कंफर्म कर रही हूं, विद फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मुझे क्लियरली वो दिखाई दे रहा है, बट आपके पार्टनर ना उनकी प्रायोरिटीज चेंज्ड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो कहीं और देख रहे हैं, कहीं और किसी और पे फोकस कर रहे हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। हीरोपंथ की एनर्जी को क्लारिफाई करें यूनिवर्स। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, इस रिलेशनशिप में फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे एंडिंग दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बिट्रेड फील कर रहे हैं या सब कुछ एंड फील कर रहे हैं, बिट्रेड का मतलब ऐसा लग रहा है या तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हैं किसी चीज को लेकर, उन्हें लग रहा है कि उन्हें तकलीफ पहुंचाई आपने, या उन्हें लग रहा है कि बस अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, ऐसा लग रहा है कि वो आपका इंतजार करते रह गए, चीजें ठीक नहीं हुई या उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि एक दिन रिलेशनशिप ठीक होगा पर हुआ नहीं, वो काफी हर्ट है, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है जहां पर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, हर्ट है, लेकिन
इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं आपके लिए, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे, वो एंड करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। ऑब्स्टेकल है इस रिश्ते में, अब हैप्पीनेस नहीं रही इस रिश्ते में, कुछ भी अब अच्छा नहीं रहा इस रिश्ते में। आपके पार्टनर ने सब कुछ लाइक ऐसे है कि खराब भी कर दिया है, और कहीं ना कहीं आप भी हो सकते हैं इसमें इन्वॉल्व, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस रिश्ते का चार्म, हैप्पीनेस सब खत्म हो चुका है, और इसलिए ये रिश्ता अब आप लोगों के लिए, आपको एक्शन भी नहीं मिला है फ्रेंकली स्पीकिंग इस इंसान से, इसलिए भी ये रिश्ता एंड हो रहा है, क्योंकि ऑब्स्टेकल यही है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ते में आपके पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहे, और इसलिए ये रिश्ता एंड हो रहा है। और आपके एंड से अगर मैं आपको एडवाइस दूं, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपने इनर चाइल्ड पे फोकस करें। इनर चाइल्ड यानी कि आप अपने आपके अंदर के बच्चे को वापस जगाएं, आप वापस हंसे मस्ती करें, इंजॉय करें, अपनी लाइफ को रोके नहीं, किसी और के लिए लिमिटेड नहीं करें, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकता है या ग्रो कर सकती है, तो आपका भी अधिकार है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, ठीक है। आपका भी अधिकार है कि आप अपनी लाइफ में बेटर डिजर्व करें, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपने आप को किसी एक पर्सन के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं रोक सकते, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिलेशनशिप में मैं मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। किंग ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ कप्स, नहीं यार, एक राजा एक रानी है, और ऐसा लग रहा है राजा अपनी जिद में है, रानी भी थक गई है, और इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं। ये रिलेशनशिप मुझे मैं तो कुछ अच्छा देता हुआ डिलीवर करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर की तरफ से एंड भी हो रहा है कहीं ना कहीं। ऐसा लग रहा है आप भी एंड कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी एंड कर रहे हैं, बिकॉज अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा दिख नहीं रहा है, हर्ट ही हो रहे हैं दोनों एक दूसरे को, हर्ट ही कर लिए हैं, जिसके वजह से इस रिलेशनशिप, स्पेशली आप अपनी लाइफ की फ्रेश स्टार्ट करते हुए, न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपने लाइफ के नए अप्रोचेस की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इट। अगर कैप्रिकॉन राशि वालों आप लोगों को अच्छी लगी रीडिंग, अपनी पसंद आई, रिजोनेट हुई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।